हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक साथ हैं अपनी नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है ब्रेन टॉनिक। ब्रेन, हमारे ब्रेन के अंदर जिस टॉनिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, वो किसी भी एज के, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, किसी भी एज के बच्चे उसे ले सकते हैं। और जिन बच्चों के एग्ज़ाम बिल्कुल अभी आने वाले हैं, या फिर जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, या फिर किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी वगैरह की, तो वो उनके लिए ये टॉनिक बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और हमारे बुजुर्ग लोग जिनकी एज ज़्यादा है और उनकी एज बढ़ रही है, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्किज़ोफ्रेनिया, आपकी जो है पार्किंसन, डिमेंशिया, याददाश्त वाली बीमारियां हैं, उनके अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है उनको रोकने में। रोकेगा भी, अगर हो गई तो उसको ठीक भी करेगा, याददाश्त बढ़ाता है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो मैं डिस्कस करूंगा, जो इस क्या कहते कॉम्बिनेशन में है, वह है अश्वगंधा, और वह है मदर टिंचर में। अश्वगंधा को मदर टिंचर में यूज़ करना है। और अश्वगंधा के वैसे बहुत सारे यूजेस हैं हमारे आयुर्वेदा में, यूनानी में, होम्योपैथिक में मदर टिंचर यूज़ होता है। और बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं इसके। ये आपका जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है, मेमोरी बढ़ाता है, स्ट्रेस लेवल कम करता है, डिक्रीज करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करता है, फिजिकल वीकनेस को दूर करता है, मेंटल वीकनेस को दूर करता है। तो अश्वगंधा के तो अनेकों इसके यूजेज हैं। तो सबसे पहली इसमें मेडिसिन है अश्वगंधा। दूसरी इसमें जो मेडिसिन मिली है वह है ब्रह्मी। ब्रह्मी को भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में ही यूज करना है। ब्रह्मी दिमाग को तेज करने में, दिमाग की याददाश्त बढ़ाने में, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने में ब्रह्मी का सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा यूज़ है। और ब्रह्मी को हमारी याददाश्त का रामबाण माना गया है। हमारे अधिकतर आयुर्वेदा में ब्रह्मी एक जो है टॉनिक, ब्रेन टॉनिक के रूप में वैसे भी यूज की जाती है। तीसरी इसमें जो मेडिसिन है वो है जिनको बैलोबा क्यूब यानी कि मदर टिंचर में यूज होगी। और इसका भी एक जो फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने में, मेंटल वीकनेस में बहुत अच्छा रोल है। और इसके अगर अदर यूजेस भी देखे जाएं, तो ये आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाती हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करती हैं, ब्रेन की पावर को बढ़ाती हैं, याददाश्त अच्छी करती हैं, आँखों को अच्छा रखती हैं, आप में एनर्जेटिक रखती हैं, वीकनेस को ये कम करती हैं। तो ये तीनों मेडिसिन आपको यूज़ करनी है। इससे बनाने का तरीका, आपको 30-30 ml की इन तीनों की फाइल लेके आनी है, अश्वगंधा, ब्राह्मी और जिनको बाइलोबा क्यू। ये नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको सीधे ही। और एक 100 ml की फाइल में इन तीनों को मिला देना। तीनों मेडिसिन एक ही फाइल में आ जाएंगी। इसको अच्छे से मिला के, इसको हिला के, इसको थोड़ा सा मारना, तो ये जो मिक्स हो जाएगी। इसको मिक्स होने के बाद इसे यूज़ कैसे करना है, आपको दिन में 2 बार लेना है, 20-20 बूंदे, आधे कप पानी में डाल के लेनी। और ये जो आपकी मेडिसिन तैयार हुई है, ये कम से कम आपकी 3 महीने तक आपकी जो है चलती रहेगी। एक ही फाइल में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं इस वाले कॉम्बिनेशन को 2 साल से अपने ही क्लिनिक में यूज़ कर रहा हूँ और बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। आप प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और अपना यूज़ करने के बाद जो आपका इफ़ेक्ट आता है, आप उसे ज़रूर मेरे साथ डिस्कस कीजिए। अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मैंने इसको यूज़ किया है, मुझे इसके अंदर कितना फ़ायदा है। आपके जैसे भी कमेंट रहेंगे, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, मैं उनको आदर रूप से यहाँ पर जो है डिस्कस करूँगा उसके साथ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए। और कोई भी आपका जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझसे यहाँ जो पूछ सकते हैं।
अभी मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, और मैं कुछ लेक्चर भी लेता हूँ फार्माकोलॉजी के ऊपर, कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन आते हैं उसके अंदर, तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं फार्माकोलॉजी के। अगर आपको असली में मेडिकल के अंदर सीखना है तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।